नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों से पिछले दिनों ये कहा था कि जल्दी हम स्पोर्ट वीडियोस की एक श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, तो उसी क्रम में ये हमारा पहला एपिसोड है और इस स्टोरी को कवर किया है आलोक कुमार शुक्ला जी ने, जो कि स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट को लेकर नारद टीवी से जुड़े हैं। नारद टीवी की टीम में इनका तहे दिल से स्वागत है। भारत में क्रिकेट को किसी धर्म से कम नहीं समझा जाता है। एक समय था जब भारत में हॉकी की तूती बोलती थी, फिर भारतीय क्रिकेट में सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे खिलाड़ी आए और भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलने लगी। कौन भूल सकता है 25 जून 1983 का वो दिन जब भारत कपिल की कप्तानी में विश्व चैंपियन बना और हर शहर, हर गांव और हर गली में क्रिकेट खेलते बच्चों के मन में भारत के लिए क्रिकेट खेलने का सपना हिलोरे मारने लगा। ऐसा ही सपना पल रहा था एक 9 साल के बच्चे के मन में, जिसने बाद में भारत के लिए क्रिकेट खेला भी। उसके पिता भी भारत के लिए 2 टेस्ट खेले थे, लेकिन उस बच्चे के करियर का ऐसा अंत होगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, क्रिकेट में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनमें योग्यता तो थी लेकिन वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए जिसके वो हकदार थे। ऐसे ही क्रिकेटर थे ऋषिकेश कानिटकर। कानिटकर का नाम सुनते ही जेहन में उभरने लगती है वो तस्वीर जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सिल्वर जुबली कप के फाइनल में चौका लगाकर भारत को अविश्वसनीय जीत दिलाई थी। दोस्तों, अगर आप 90 के दशक में क्रिकेट देखते रहे होंगे तो आपको सब कुछ याद जरूर आ गया होगा। खैर, चलिए पहले ऋषिकेश के प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। ऋषिकेश का जन्म 14 नवंबर 1974 को पुणे में हुआ था। कानिटकर शुरुआती दिनों से बेहद होनहार क्रिकेटर थे। ऑलराउंडर प्रतिभा के धनी कानिटकर बाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी करते थे तो दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉलिंग। घरेलू क्रिकेट में कानिटकर ने खूब धूम मचाई और रणजी ट्रॉफी में वे 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। अब बात करते हैं उस दौर की जब भारतीय टीम को उन दिनों एक ऑलराउंडर की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कपिल देव संन्यास ले चुके थे और मनोज प्रभाकर टीम से अंदर बाहर हो रहे थे। ऐसे में विश्व कप 1996 के बाद एक ऑलराउंडर की खोज तेज हुई और लगभग 1.5 साल बाद कानिटकर को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला। तारीख था 25 दिसंबर साल 1997। सामने थी श्रीलंका की टीम, लेकिन मैच सिर्फ 3 ओवरों का ही हो सका क्योंकि इंदौर के नेहरू स्टेडियम में पिच में अनियमित उछाल था और गेंद बल्लेबाज को हिट कर रही थी। खैर, कानिटकर को उस मैच में कुछ खास करने का मौका नहीं मिला। फिर आया वो दिन जिसने कानिटकर को रातों रात स्टार बना दिया और कानिटकर पूरे देश की आंखों का तारा बन गए। चलिए पहले इस मैच की कहानी जान लेते हैं, फिर जानेंगे वो घटना जिसका जिक्र हमने टाइटल में किया है। तो ये बात है साल 1998 की, जब बांग्लादेश की आजादी के 25 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए ढाका में सिल्वर जुबली कप खेला जा रहा था जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें थी। ये वो समय था जब पाकिस्तान बेहद मजबूत टीम हुआ करती थी। भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुके थे। यहां बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स का कॉन्सेप्ट रखा गया था और भारत तथा पाकिस्तान की टीमें एक-एक फाइनल जीत चुकी थी और अब बारी थी तीसरे फाइनल की। यह मैच 18 जनवरी 1998 को ढाका के नेशनल स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 48 ओवर में 314 रनों का टारगेट रख दिया। उस जमाने में इतना स्कोर एक तरह से जीत की गारंटी थी, लेकिन भारत सौरव गांगुली के शतक और रॉबिन सिंह की शानदार बल्लेबाजी से टारगेट के करीब पहुंच रहा था। तभी अचानक भारत का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से लड़खड़ा गया और अचानक ऐसी स्थिति बन गई कि भारत ये मैच हार भी सकता था। फिर मैदान में कदम रखा ऋषिकेश कानिटकर ने। इस सांसें रोक देने वाले मैच में एक ऐसी स्थिति बनी कि भारत को जीत के लिए 2 गेंदों पर 3 रन की जरूरत थी और सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे। गेंद सकलैन मुश्ताक के हाथों में थी और करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की जान हलक में थी, लेकिन कानिटकर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ऐसा बल्ला घुमाया कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार चली गई। करोड़ों भारतीयों का दिल झूम उठा, लेकिन शायद ये कानिटकर के करियर के अंत की शुरुआत थी। इस जीत के नायक बनने के बावजूद कुछ ही मैचों के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। उन्हें टीम से बाहर करने का फैसला हर किसी के समझ से परे था, लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल इस राज का पर्दाफाश किया था भारत के पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर ने। साल 2000 में इस राज की गुत्थी तब सुलझी जब एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान प्रभाकर ने कई राज खोले। इसी स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये राज खुला कि ढाका में खेला गया ये मैच फिक्स था, जिसमें पाकिस्तान की जीत
तय थी, लेकिन कानिटकर ने चौका लगाकर इसको उल्टा कर दिया। नतीजा उन्हें टीम से हाथ धोना पड़ा। इस एक मैच से रातोंरात स्टार बने कानिटकर का करियर धीरे धीरे ढल गया। 30 जनवरी 2000 को कानिटकर ने अपना आखिरी मैच खेला और आखिरकार मात्र 34 वनडे और 2 टेस्ट खेलकर एक बेहतरीन प्रतिभावान ऑलराउंडर का करियर खत्म हो गया। कानिटकर ने कभी सोचा नहीं होगा कि भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने की सजा उन्हें अपने करियर को कुर्बान करके चुकानी पड़ेगी। इसके बाद कानिटकर लगातार घरेलू क्रिकेट खेलते रहे, पर भारतीय टीम में दोबारा जगह नहीं बना पाए और आखिरकार उन्होंने जुलाई 2015 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से पूरी तरह संन्यास ले लिया। कहते हैं उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, पर ढलते सूरज को कोई नहीं पूछता। यही हुआ ऋषिकेश के साथ। उन्हें भी समय बीतने के साथ सबने भुला दिया। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्रिकेट में कोचिंग देना शुरू कर दिया है। साल 2015 में वो गोवा रणजी टीम के हेड कोच बने। वर्तमान में कानिटकर अंडर-19 भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आगे भी नारद टीवी इस श्रृंखला में कुछ ऐसे ही गुमनाम क्रिकेटरों की जानकारी आप लोगों तक लाता रहेगा और कुछ सच्चाइयों का भी खुलासा करेगा। तो आप लोग नारद टीवी को कितना सपोर्ट करते हैं इस वीडियो पर अपना कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें, वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।